ये मोक्ष का दायनी मोक्ष दायनी त्यौहार है, जैसे दशहरा धर्म का त्यौहार है, दिवाली अर्थ का त्यौहार है, होली काम का त्यौहार है, ऐसे रक्षाबंधन को जिसको हम कहते हैं श्रावणी मोक्ष का त्यौहार है। अभी थोड़ी देर पहले करीब आधा घंटे पहले एक व्यक्ति का की जिज्ञासा आई थी कि जी एक यहाँ का बहुत जो प्रसिद्ध पत्र है अखबार है उसने लिखा है कि रक्षाबंधन के बारे में हमारे जो साहित्य है धार्मिक उसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, केवल एक पुराण में ये मिलता है कि इंद्राणी ने अपने पति की राखी बांधी थी। तो कह रहे थे कि ये इतना महत्वपूर्ण त्यौहार है या ऐसे ही जिसके बारे में कुछ नहीं है। तो मैंने कहा ये त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण है, अखबार वाले ने जो लिखा है उसने बड़ी लिमिटेड ज्ञान से लिखा है, अखबार तो बड़ा प्रसिद्ध है वो, लेकिन आखिर तो जिन भाई ने भी टेलीफोन किया था उनसे ये निवेदन है कि भारत में चार त्यौहार ऐसे हैं जो हमारे वैदिक काल से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते रहे हैं, क्योंकि चार पुरुषार्थ हैं हमारे यहाँ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इनको संसार में लोक में स्थापित करने के लिए चार त्यौहार बनाए गए हैं और वही चार त्यौहार सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, क्योंकि वो वेद द्वारा या वैदिक साहित्य द्वारा प्रतिपादित हैं। उसमें एक है दशहरा विजयदशमी, एक है दिवाली, एक है होली और एक है ये जिसको हम रक्षाबंधन कहते हैं। इस रक्षाबंधन को प्राचीन साहित्य में रक्षाबंधन नहीं लिखा हुआ, इसलिए वो कन्फ्यूज़न हो गया थोड़ा सा। ये त्यौहार जो है सारे भारतवर्ष में श्रावणी के नाम से मनाया जाता है। श्रावणी के दिन सारे गुरुकुल जितने भी हैं हिंदुस्तान के, क्योंकि प्राचीन पद्धति आज रही नहीं, तो जितने भी गुरुकुल हैं हिंदुस्तान के उन गुरुकुल में सब ब्रह्मचारियों के वेद का अध्ययन आज शुरू कराया जाता है। सारी दुनिया में हिंदुस्तान में वेद अध्ययन श्रावणी से शुरू कराया जाता था हमेशा। आज भी वेद का ज्ञान कराने के लिए, वेद अध्ययन कराने के लिए श्रावणी उत्सव ही मनाया जाता है। दक्षिण भारत में रक्षाबंधन नहीं होता। दक्षिण भारत में सारे लोग जो हैं वो समुद्र देवता या जो भी पवित्र नदी है उसके किनारे जा कर के पहले तो नारियल चढ़ाते हैं उस देवता को, समुद्र देवता को, क्योंकि नारियल बड़ा पवित्र माना जाता है, और उसके बाद यज्ञोपवीत बदलते हैं। तो आज ये यज्ञोपवीत धारण करने का भी त्यौहार है जिसको सारे भारत में मनाया जाता है, हर जगह जहाँ यज्ञोपवीत का, तो गुरुकुल में भी इसी रूप में मनाया जाता है। ये मोक्ष का दायनी मोक्ष दायनी त्यौहार है, जैसे दशहरा धर्म का त्यौहार है, दिवाली अर्थ का त्यौहार है, होली काम का त्यौहार है, ऐसे ही रक्षाबंधन को जिसको हम कहते हैं श्रावणी मोक्ष का त्यौहार है। तो इसका बहुत वर्णन हमारे सारे साहित्य में इस नाम से है, और हमारे जितने संस्कृत डिपार्टमेंट हैं, जिस यूनिवर्सिटी में संस्कृत का डिपार्टमेंट होगा वहाँ ये संस्कृत सप्ताह के नाम से आज से शुरू होता है, हर यूनिवर्सिटी में मनाया जाता है संस्कृत सप्ताह। तो इसलिए ये कोई छोटा मोटा त्यौहार नहीं है, ये बहुत ही महान त्यौहार है, क्योंकि चार हमारे जो पुरुषार्थ हैं उनमें से एक पुरुषार्थ की सिद्धि यानी मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि आज ही के दिन से होती है, श्रावणी के दिन से। बाकी डिटेल में तो जब आएंगे सारा बताएंगे कहाँ कहाँ कैसा वर्णन है। अभी तो मैंने इसलिए कि आपने हमारे एक भाई ने प्रश्न किया कि क्या ये त्यौहार इतना महत्वपूर्ण नहीं है तो क्यों इतना ढोल बजाया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, इसके बारे में सारा साहित्य भरा पड़ा है, पर श्रावणी के नाम से है।